हेलो गाइस, आई एम सरोज कुमार शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा साइंस कोचिंग सेंटर। टुडे वी विल रीड 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके। दिस क्वेश्चंस आर टेकन फ्रॉम 10th क्लास हिस्ट्री। सो विदाउट मच डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? विकल्प है दिल्ली, पांडिचेरी और दिल्ली, तीसरा है दमन और दीव, और चौथा है किसी का नहीं। ध्यान से देखें और कोशिश करें बनाने के लिए। क्वेश्चन था, किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? विकल्प है दिल्ली, पांडिचेरी और दिल्ली, दमन और दीव, और चौथा है किसी का नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली को अपना उच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार एक, यानी बताना है संपत्ति का अधिकार क्या है? संपत्ति का अधिकार क्या है? विकल्प है मौलिक अधिकार, नैसर्गिक अधिकार, नैतिक अधिकार या कानूनी अधिकार। ध्यान से कोशिश कीजिए। क्वेश्चन था, संपत्ति का अधिकार एक, यानी संपत्ति का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार, नैसर्गिक अधिकार, नैतिक अधिकार या कानूनी अधिकार। तो आंसर होगा डी, कानूनी अधिकार। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण से कब तैयार हुआ? भारत का संविधान पूर्ण से कब तैयार हुआ? विकल्प है 26 जनवरी 1950, दूसरा विकल्प 26 नवंबर 1949, तीसरा है 11 फरवरी 1948, और चौथा इनमें से कोई नहीं। यानी भारत का संविधान पूर्ण से कब तैयार हो गया? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 11 फरवरी 1948, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र लिखेगा? भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र लिखेगा? विकल्प है प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र लिखेगा ये बताना है। प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री को, ए। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कैसे की गई थी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके अंतर्गत की गई थी आपको बताना है। विकल्प है संसद के अधिनियम द्वारा, संविधान द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत या राष्ट्रपति के आदेश द्वारा। यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कैसे की गई, किसके अंतर्गत की गई थी ये बताना है। विकल्प है संसद के अधिनियम द्वारा, संविधान द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत या राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा। आपका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम कहाँ आरंभ हुआ? अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ? राजस्थान, तमिलनाडु, केरल या कर्नाटक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम कहाँ आरंभ हुआ? राजस्थान में, तमिलनाडु में, केरल में या कर्नाटक में? आंसर हो जाएगा राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार किस शोभा थे? चरक और नागार्जुन, ये 7 नंबर क्वेश्चन है। चरक और नागार्जुन किसके दरबार के शोभा थे? विकल्प है कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या समुद्रगुप्त। कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या समुद्रगुप्त। तो आपका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, विकल्प नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा होती है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा होती है? विकल्प है प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा या गृह मंत्री के द्वारा। फिर से विकल्प सुन लीजिए, प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा या गृह मंत्री के द्वारा। तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, बी। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है?
विकल्प है संसद के पास, राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास या गृह मंत्री के पास। ध्यान सोचिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास, राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास या गृह मंत्री के पास? तो आपका आंसर हो जाएगा संसद के पास। अगला क्वेश्चन, किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? विकल्प है राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मणिपुर। यानी किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या मणिपुर? आपका आंसर हो जाएगा डी, मणिपुर को अपना उच्च न्यायालय नहीं है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल 10 प्रश्नों के साथ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।